साइबर सिटी गुरुग्राम सहित दिल्ली एनसीआर में बुधवार को हुई इनकम टैक्स विभाग की रेड से दिन भर हड़कंप मचा रहा। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा नोएडा, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम के विभिन्न अस्पतालों सहित 20 से भी अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने अघोषित संपत्ति का पता लगाने के लिए ये छापेमारी की है। बता दें गुरुग्राम के पालम विहार स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में भी आयकर विभाग की टीम जब छापेमारी करने पहुंची तो हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। इस दौरान विभाग की टीम द्वारा हॉस्पिटल प्रबंधन से पूछताछ की गई और रिकॉर्ड भी खंगाला गया। सूत्रों के माने तो हॉस्पिटल से कुछ ऐसे दस्तावेज भी टीम के हाथ लगे जिसके आधार पर अब जाँच की जाएगी। टीम इन जरूरी दस्तावेजों की गहनता से जाँच पड़ताल कर रही है। आखिर यह तो जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है। माना जा रहा है कि टैक्स चोरी और टैक्सेशन में गड़बड़ी की सूचना मिलने पर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वी न्यूज। गुरुग्राम समेत एनसीआर के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने मेट्रो हॉस्पिटल पर छापेमारी की है। सूत्रों की माने तो टैक्स चोरी और ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी को लेकर छापेमारी की गई है। गुरुग्राम के मेट्रो हॉस्पिटल पालम विहार में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ भी छापेमारी की गई थी। और ऐसे में सूत्रों की माने तो कुछ अहम दस्तावेज इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के हाथ लगे हैं और उसके बाद अब वो जाँच करेंगे और जाँच के बाद क्या सामने निकल कर आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि एक बड़ा ग्रुप है और ऐसे में अलग अलग शहरों में हॉस्पिटल स्थापित हैं और ऐसे में इनकम टैक्स जांच करेगा और तो क्या सामने निकल कर आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार।